वेलकम, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विथ मी में। और ये जो वैकेंसी आ रखी है ये भारतीय नौसेना में आ रखी, द इंडियन नेवी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, तो भारतीय नौसेना में वैकेंसी आ रखी। तो हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे इसकी वैकेंसी के बारे में, क्योंकि बड़ी ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। हर बार ऐसी वैकेंसी नहीं आती हैं, खैर ये तो इंडियन नेवी की रेगुलर बेस पर आती रहती हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है भारतीय नौसेना में। अगर आप अफसर बनना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी के थ्रू बन सकते हैं। चलिए डिटेल में शुरुआत करते हैं हम इस वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी, ये 12 जनवरी से आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो और अंतिम डेट है इसकी 1 फरवरी, ठीक है। तो 12 जनवरी से लगा के 1 फरवरी तक अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें भर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसे हम थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि आपको हर चीज़ एकदम अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है। तो हम एक एक करके अब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसे थोड़ा लेफ्ट राइट, नाउ इट्स ओके, बस इट्स ना ओके, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है, मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बताया कि ये जो वैकेंसी थी ये इंडियन नेवी में, अगर आप अफसर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बढ़िया वैकेंसी साबित हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, क्या क्या आपको जो है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए होती है, तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अप्लीकेशन ये कौन कौन भर सकते हैं, जो अनमैरिड है मेल कैंडिडेट, ठीक है। तो ध्यान रहे ये फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है, तो जो मेल कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो परमानेंट कमीशन इन नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टर कैडर में, और शॉर्ट सर्विस कमीशन इन एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, दोनों परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों कमीशन है, ठीक है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि परमानेंट कमीशन ये क्या होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाए, ठीक है। इसमें आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, 2 जनवरी 1995 से 1 जुलाई 2000 के बीच में आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बच्चों इसके लिए क्या है कि आप बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग से कर चुके हों, ठीक है, या फिर आप कर रहे हों। अगर इस साल आप कर भी रहे हैं, अपीयरिंग है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते जब आप पास आउट हों, जब आप पास हों तो उसमें 60% नंबर आपके आने चाहिए, ठीक है। तो डेट हमने बता दी, एज आपकी जो एज वगैरह होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, और बच्चे कौन अप्लाई कर सकते हैं, जो इनके पास इंजीनियरिंग डिग्री है या फिर जो फाइनल ईयर के इंजीनियरिंग में है वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनके 60% नंबर होने चाहिए अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या, आपको फॉर्म भर देना, इसमें कोई रिटर्न एग्जाम भी नहीं है, डायरेक्ट आपकी SSB आएगी। क्या आएगी, डायरेक्ट आपकी SSB आएगी, तो आप डायरेक्ट SSB में अपीयर हो सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपके हाथ में एक बेहतरीन जॉब मिलेगी, ठीक है। अब देखो दो तरह की इसमें वैकेंसी होने वाली थी, जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो ये है एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में वैकेंसी नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टर कैडर और जनरल सर्विस हाइड्रोग्राफी कैडर में, दो कैडर में ये वैकेंसी है, ठीक है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री इन इन चीज़ों में, इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, किसी में भी बैचलर डिग्री है या आप कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इस कैडर के लिए जनरल सर्विस के लिए आप B.Tech या BE आपने किसी भी डिपार्टमेंट से कर रखा, किसी भी इंजीनियरिंग से कर रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, एरो इंजीनियरिंग, जो भी जितनी होती है, मुझे तो नाम भी नहीं याद है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए 12 वैकेंसी, इसके लिए टोटल 27 वैकेंसी, दोनों मेल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यह है परमानेंट कमीशन और यह है शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है। थोड़ा सा और आगे देखेंगे हम टेक्निकल ब्रांच के लिए, थोड़ा सा देखें इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस के लिए क्या है। अगर आपने इन ट्रेडों में अगर आपने कर रखा है ग्रेजुएशन तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस कमीशन के लिए, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ आपने BE/BTECH की डिग्री ले रखी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 28 की वैकेंसी, 32 इसके लिए, दोनों में मेल कैंडिडेट और ये दोनों शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ठीक है। थोड़ा सा और देखेंगे हम, आपको क्या, आपने एक बार फॉर्म भर दिया तो आपको क्या आएगा, डायरेक्ट SSB का कॉल लेटर आएगा। आप फला फला दिन जाके, फला फला जगह पर जाके आप अपना SSB इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, और 60% नंबर आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ये इसकी बात है, ठीक है। तो कुछ बच्चे इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे जिनके नंबर वगैरह अच्छे होंगे, उन बच्चों के SSB के कॉल लेटर वगैरह आएंगे, वो जाके अपना SSB दे सकते हैं, ठीक है। मेडिकल के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इसके। देखिए आपकी जो आईज़ हैं वो आपकी विदाउट ग्लासेस इतनी होनी चाहिए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के लिए इतनी और टेक्निकल के लिए इतनी, एग्जीक्यूटिव एनएसी के लिए इतनी, ठीक है। तो आपकी आई बदल, और विद ग्लासेस आपकी ये एकदम परफेक्ट आइस, जो 6x6 कहते हैं, आपकी परफेक्ट आइस होनी चाहिए विद ग्लास के साथ में। अगर आप ग्लास नहीं लगाते हैं तो आपकी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ठीक है,
ठीक है। और आपकी जो हाइट होनी चाहिए, मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर है, आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ लोगों को छूट है मिनिमम हाइट में, अगर आप ट्राइबल्स हैं लद्दाख रीजन के, अगर आप गोरखा नेपाली वगैरह अंडमान वगैरह के हैं, अगर आप भूटान वगैरह के हैं, तो आपके लिए इसमें छूट है। टैटू वगैरह फ़ौज में अलाउड नहीं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं अगर आपके कहीं पर बॉडी पार्ट में टैटू है, ठीक है। तो नेवी ऑफर्स यू, आपको जो पेमेंट रहने वाली शुरुआत होगी सब लेफ्टिनेंट से, ठीक है, 56,100 रुपये से 1,700,000 तक जाएगी, फिर लेफ्टिनेंट बनेंगे, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर बनेंगे, फिर कमांडर बनेंगे, ठीक है। आपने मूवी देखी होगी कमांडर रुस्तम पावरी की, आई थी एक, तो बड़ी काफ़ी अच्छी मूवी रही थी, ठीक है। तो ये देखिए आपकी जो है ना, आपकी सैलरी इस लेवल की रहने वाली है, तो आपकी कुल मिला के बेहतर आपकी पेमेंट होगी। आप एक, क्योंकि फ़ौज में अफसर बनेंगे तो आपकी पेमेंट तो और प्रिविलेज आपको मिलेंगे, ये सारी प्रिविलेज वगैरह आपको मिलेंगे, ठीक है। अब हम इसके दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं, या आप कहें दूसरे पेज की तरफ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ऊपर। आपके जो है ना, ये सुविधाएं वगैरह, छुट्टी वगैरह मिलेगी, स्पोर्ट्स खेलने को मिलेगा, ठीक है। जनरल सर्विस, ये चीज़ें आप जो है ना देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए अभी आपकी ज़रूरी नहीं है। तो हम इसे ड्यूटी आपकी क्या रहेंगी, सिलेक्शन प्रोसीजर जो ज़रूरी वो मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है कि आपको SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पर, बेंगलोर, भोपाल, कोयम्बटूर, विशाखापत्तनम, कोलकाता, ठीक है। आपका जो ये चलेगा SSB इंटरव्यू, अप्रैल 2019 से जुलाई 2019 के बीच में आपको कहीं ना कहीं बुला लिया जाएगा, ठीक है। अब SSB इंटरव्यू के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, तो ऐसा करता हूँ मैं आपको एक नीचे लिंक दे दूंगा बुक वगैरह का, SSB की एक बेहतरीन बुक है, तो उसके बारे में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो SSB क्रैक की वो बुक है, मैं आपको नीचे बता दूंगा, फिर आप जाके वहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, लिंक पर क्लिक करके। तो क्या है, आप ये जानते हैं SSB इंटरव्यू भी कंडक्टेड दो स्टेज होंगी, पहला स्क्रीनिंग होता है, फिर दूसरा जो आपका चलता है कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हो, तो स्क्रीनिंग और कॉन्फ्रेंस, तो ये डिटेल में इसमें लिख रखा है। अगर आप 3 से 5 दिन का टोटल प्रोसेस है, फिर फर्दर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर आपका क्या होगा, मेडिकल एग्जाम। अगर आप मेडिकल एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं, बस आपके जो जो आपने SSB दिया है उसी के नंबर के अनुसार एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। अगर आप आ जाते हैं तो बस आपकी जो है ना आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आप एज ए कमीशन अफसर जो है ना ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें ट्रेनिंग शेड्यूल कमर जनवरी 2019 से आपकी 2000 सॉरी जनवरी 2020 से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, इंडियन नेवल एकेडमी में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो मोस्टली चीज़ें हमने इसके बारे में डिस्कस करनी। अप्लाई ऑनलाइन www.joinindiannavy.government.in पर जाकर आप 12 से 1 फरवरी के बीच में आप अपना फॉर्म भर सकते हो, ठीक। ध्यान दें, फॉर्म में गलती ना करें, सही से ही अपना फॉर्म भरें। अगर कुछ आप जानना पूछना चाहते हो तो आप इन नंबर पर, टोल फ्री नंबर है, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों हमने मोस्टली चीज़ें डिस्कस कर ली इस फॉर्म से बारे में। तो अगर आप 12th आप जो है ना कर रहे हो, या उसके बाद जो है ना आपने ग्रेजुएशन की है, BE BTECH कुछ वगैरह की है, या आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है एक अच्छी पेमेंट की रेपुटेटेड जॉब करने के लिए। ऐसे अवसर हर बार नहीं आते। अगर आप कुछ BE BTECH वगैरह कर रहे हो, या आपके दोस्त वगैरह यार मित्र कुछ कर रहे हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि उन्हें इन चीज़ों का पता चल सके और जो है ना तैयारी करके एक बेहतरीन जॉब पा सकें और देश सेवा का अवसर भी उन्हें मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम।